नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आई वॉज टॉकिंग टू माई वन ऑफ माई फ्रेंड और उसने बोला कि यार ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसने बोला यार इसको क्रैक करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है। बस मैंने फिर सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, बिकॉज हम सबका माइंडसेट कुछ ऐसा ही है, किसी चीज़ को लेकर के हम सोचने लग जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, शायद मैं इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकता, शायद इस चीज़ को मैं अचीव नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई ऐसा थॉट आता है कि ये इम्पॉसिबल है या इस चीज़ को मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, इस चीज़ को मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, आपको उस टाइम पे एक इंट्रोस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आप से बात करने की रिक्वायरमेंट है। अपने आप से सवाल करिए, हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एंड व्हाट इज़ योर पर्पज़ इन योर लाइफ। आप इतने तीन चार सवाल अपने आप से करेंगे, अपने आप को शांति से अकेली जगह में बैठा करके या सोने से पहले केवल अपने आप से ये चार से पांच सवाल करेंगे, आपको अपने ट्रू आइडेंटिटी का, अपने ट्रू पोटेंशियल का, आपको अपने ट्रू जो स्पिरिट है उसके बारे में अच्छी खासी तरीके से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द थिंग जो आपको ओवरकम करनी है, जो आपको हटानी है अपने रास्ते में। सी, आपका रास्ता बहुत सिंपल है, आपको जाना है, आपको कामयाब होना है, दैट इज़ वेरी ईजी। बट उस जगह पे जाने तक के लिए आपके बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपका रास्ता रोकती हैं। ये छोटे छोटे थॉट्स जो हैं जो आपको रास्ता रोकते हैं, जो आपको कामयाब नहीं होने देते, केवल इनको और विकसित करने की ज़रूरत है या इनको केवल चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई काम हो या कुछ भी चीज़ हो, जहाँ पर भी आपको ये थॉट आए आपको उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हु आर यू। आप एक इंसान हो, एक वो इंसान जो पूरी दुनिया में सबसे विकसित, सबसे बुद्धिमान और सबसे साहसी, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। अगर मैं किसी जानवर या फिर इसकी बात करूँ तो आप देखो, हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले काफ़ी सारे जानवर हैं, शेर चीता हमसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, बट हमने उस चीज़ को ओवरकम किया। कैसे? साइंटिफिकली ओवरकम किया। हमने बुलेट ट्रेन्स का, कार का, ट्रक का, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया ताकि हम उनसे ज़्यादा और विकसित हो पाएं। एक हाथी बहुत ज़्यादा लोड उठा करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पर हमने इस चीज़ को कम किया साइंटिफिकली। मतलब समझने की कोशिश करना, हर किसी को लाइफ में एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और शायद वही वो टाइम होता है जहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है कि इस चीज़ को ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम को मेरे को रिमूव करना है, हटाना है, या फिर उस प्रॉब्लम को मेरे को केवल और बड़ा करना है। लाइफ में जब जब जिस जिसको जो जो प्रॉब्लम्स आई है उसने उस टाइम पे वो प्रॉब्लम दूर करी हैं और इस हिस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया है। चाहे वो विल्मा रिडोल्फ हो, चाहे वो हमारे अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो हमारे भारत की क्या बोलते हैं अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे वो दशरथ मांझी हो, मतलब दुनिया में हर वो इंसान है, हर इंसान की सक्सेस स्टोरी के पीछे एक चीज़ आता है, फेसिंग ऑफ फेयर। ये जब तक ये दो चीज़ों को आप दूर नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर से, तब तक आपका सक्सेसफुल होना किसी भी फील्ड के अंदर इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है। हम वही इंसान हैं जिसने नदियों का रुख तक बदला है। हम नदियों की तरह बहने वाले, फ्लो करने वाले नहीं हैं, हम नदियों का रुख तक बदल सकते हैं। तो ये छोटा सा जो थॉट प्रोसेस है उसको लाइफ के अंदर लेके आना, अपने दिमाग के अंदर लेके आना, शायद एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत ही कंजेस्टेड हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ, ट्राई टू फेस योर फियर। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाओगे। लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो इंसान है इसको प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, बिकॉज जब भी आप कुछ नई चीज़ करने जाओगे आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आप जब तक उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं करोगे तब तक आप अपने लेवल को और अप नहीं कर पाओगे। ऑन द प्रीवियस डे आई वॉज प्लेइंग अ गेम, मैं गेम खेल रहा था, उसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ मैंने सीखी। जब मैं एक लेवल को क्रॉस कर रहा था तब जाकर के मैं एक अगले लेवल पे पहुंच रहा था, और उस लेवल को क्रॉस करने के लिए मुझे काफ़ी सारे हर्डल्स को पार करना पड़ रहा था। सेम चीज़ हमारी लाइफ के अंदर भी होती है, जब आप प्रेजेंट लेवल से अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तब आपको इस लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा, तभी आप उनको ख़त्म कर पाएंगे और तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है, हर इंसान के साथ प्रॉब्लम है। शायद आपको अभी नहीं लग रहा होगा बट बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो उसके पास भी उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉमन से कॉमन मैन हो उसके पास भी उतनी प्रॉब्लम है, और एक जो मिडिल क्लास वाला इंसान है उसके पास भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी इंसानों की, हर इंसान के पास है।
बस एक डिफरेंस ये आता है कि हमें लगता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी, उस कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जी रहा होगा, और हम उस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं और हमें लगता है कि वो बेटर फॉर्म है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हर इम्पॉसिबल सिचुएशन के अंदर पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए एंड यू विल अचीव योर टारगेट्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पास जिसके थॉट प्रोसेस में ये एक नेगेटिव चीज़ आ रही है कि यार ये इम्पॉसिबल है, तो उस तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, और आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था उसको आपको समझ में आई। हम सबसे विकसित हैं, हम सबसे बुद्धिमान हैं, हम सबसे बेहतर प्रजाति हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और सिंपल सी चीज़ ये है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई वर्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई वर्क अपॉर्चुनिटी हो, वही इंसान इसको संभव कर सकता है जिसने मन में ठान लिया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।